हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले आईपीएल के नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, इन दोनों टीमों के बीच में। दोस्तों, ये मैच शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगा। वेन्यू होने वाला है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। ठीक है, तो बढ़िया मैच है, मजेदार मैच है। केएल राहुल वर्सेस विराट कोहली वाला मैच है। दोनों टीमों के पास बहुत सॉलिड बैटिंग यूनिट है, तो मजा आएगा इस वेन्यू पर। ये पिच बैटिंग के लिए अच्छी होती है, यहाँ पे जनरली रन बनते हैं, यूजुअली रन बनते हैं, तो मजा आने वाले इस मैच में। जैसे कल के प्रेडिक्शन हमारे सही रहे, जो प्रेडिक्शन लोगों ने किए थे, ईशान किशन फ्लॉप, रोहित शर्मा फ्लॉप, जॉस बटलर फ्लॉप, संजू सैमसन फ्लॉप, ठीक है। तो यही सारे प्रोडक्शन, इसी तरीके के प्रेडिक्शन लोग इस मैच में भी करने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहो, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो पिच रिपोर्ट के बारे में, वेरी क्रुशल। ठीक है, पिच रिपोर्ट देखेंगे, फिर हम लोग प्लेयर मैचअप्स देखेंगे, फिर हम लोग सारे प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म, प्लेयर मैचअप्स, एंड देन हम लोग फाइनली बनाएंगे ड्रीम टीम। ठीक है, और एक्सचेंज 22 के पिक्स भी हम लोग देख लेंगे, तो वीडियो पे बने रहो। और आगे बढ़ने से पहले करना कि ऑब्वियसली आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना है। फाइनल अपडेट्स, फाइनल टीम सबको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जरूर ज्वाइन हो जाओ, बहुत सारे मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, और पिछले मैचेस के आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे। पिछले कल वाला मैच भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहा था। ठीक है, बढ़ते आगे बात करते हैं हम लोग पिच रिपोर्ट के बारे में। तो लास्ट ईयर ऑब्वियसली 7 मैचेस हुए थे इस वेन्यू पे, और इस साल भी 2 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 2 मैचेस इस साल यहाँ पे खेले जा चुके हैं। पिछले साल जो 7 मैचेस हुए थे, 54 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, 25 विकेट स्पिनर्स को मिली, सॉरी 55 विकेट पेसर्स को, 25 विकेट स्पिनर्स को। तो ऑब्वियसली पेसर्स को यहाँ पे विकेट्स मिलती है और बहुत सारे रन बनते हैं, मैक्सिमम मैचेस में 200 प्लस रन बनते हुए दिख गए थे। इस साल जो 2 मैचेस हुए हैं, थोड़ी सी डिफरेंट पिच देखने को मिल गई है। पंजाब ने पहले मैच में 176 बनाए थे और आरसीबी ने टारगेट को चेस किया था, 172 बना 178 बना दिए थे। और जो लास्ट मैच हुआ था, आरसीबी ने 182 बनाए थे और केकेआर ने बहुत इजीली टारगेट को चेस कर लिया था, 186 बना दिए थे। पिच थोड़ी सी ऑफ कटर स्लो बॉलर्स को हेल्प कर रही थी। ठीक है, तो केकेआर के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग करी थी, थोड़ा सा हिट मार पाना मुश्किल था फर्स्ट इनिंग में, बट सेकेंड इनिंग में पिच बेहतर हो गई थी ड्यू आने के बाद। ठीक है, ऐसा सबने कहा था ऑलमोस्ट, तो ये थोड़ा नोट करना, चेसिंग टीम के लिए एडवांटेज होगा। इसी वजह से दोनों मैचेस चेसिंग टीम ने जीते हैं और यहाँ पे जनरली रन बनते हैं, तो 200 प्लस बन सकते हैं। दोनों टीमों के पास बहुत सॉलिड बैटिंग यूनिट है, तो नोट करके चलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इनके 12 प्लेयर्स पिछले मैच में रहे थे, क्या चेंजेस होंगे? देखो, चेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज ये पिछले मैच में भी अच्छा नहीं खेली थी। 3 में से 2 मैचेस ये लोग हार चुके हैं। ठीक है, और 3 में से 2 मैचेस ये लोग हार चुके हैं, सिर्फ एक मैच इन्होंने जीता है, तो टीम में चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि अल्जारी जोसेफ के जगह पे आपको लॉकी फर्ग्यूसन खेलते हुए दिख सकते हैं, रिस टॉपली खेलते हुए दिख सकते हैं। मोस्ट लाइकली लॉकी को खेलना चाहिए, बिकॉज इनका डेथ ओवर का इश्यू है, तो वो थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। इंडियन में मयंक डागर की जगह पे आपको चेंज देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये थोड़ा नोट करना। बैटिंग में लग नहीं रहा कोई चेंज होगा, बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकती है। अनुज रावत को थोड़ा सा नंबर 4 पे भेजा जा सकता है इस मैच में, बट बाकी बैटिंग में कोई चेंज नहीं दिख रहा। बट बॉलिंग में मुझे लगता है कि अल्जारी जोसेफ की जगह पे आपको मोस्ट लाइकली चेंज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आकाशदीप, महिपाल लुमरा, हिमांशु शर्मा, सौरव चौहान, करण शर्मा, सुयाश प्रभुदेसाई, ये इंडियन प्लेयर्स है। ठीक है, पोटेंशियल इंडियन प्लेयर्स, और ओवरसीज में ये 4 ओवरसीज प्लेयर्स है, जिसमें विल जैक्स के भी चांसेस है खेलने के वैसे, बट कहाँ खेलेंगे, मतलब किससे ड्रॉप किया जाएगा? फैफ बाहर नहीं जाएंगे, क्या कैमरन ग्रीन को ड्रॉप किया जाएगा? लेट्स सी। बट विल जैक्स एक ऐसा प्लेयर है जिनको खिलाया जा सकता है, जो एक सॉलिड गेम चेंजर बन सकते हैं। बाकी लॉकी फर्ग्यूसन के भी हाई चांसेस है इस मैच में खेलने के। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि हुआ क्या है दोनों मैचेस में, परफॉर्मेंस हम लोग देख लेते हैं दोनों मैचेस का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फैफ डुप्लेसिस पहले मैच में 35 जरूर बने, अगले 2 मैचेस में कुछ खास नहीं किया। विराट कोहली पहले मैच में 21, फिर 77 की पारी, पिछले मैच में 83 की पारी इसी वेन्यू पे। कैमरन ग्रीन पहले मैच में 18 रन 2 विकेट, 3 रन 0 विकेट, पिछले मैच में 33 रन 0 विकेट। ठीक है, रजत पाटीदार तीनों मैचेस में कुछ खास नहीं किया। ग्लेन मैक्सवेल की बात करते हैं, तीनों मैचेस में अब तक कुछ खास नहीं रहे, पिछले मैच में 28 जरूर बनाए थे बट अब तक स्ट्रगल ही किया है। हाँ, डेफिनेटली बॉलिंग में 2 विकेट्स निकाले थे सेकंड मैच में, और पिछले मैच में बॉलिंग नहीं मिली थी। अनुज रावत का पहला मैच अच्छा रहा था बट पिछले दोनों मैचेस में इन्होंने स्ट्रगल किया है। कार्तिक बहुत सॉलिड लगे हैं, नो डाउट रहे अब तक तीनों मैचेस में। ठीक है, और रन भी बने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। जो सिर्फ 3 मैच में सिर्फ 1 विकेट है, इन्होंने स्ट्रगल किया है। मोहम्मद सिराज 3 मैच में 2 विकेट है, जो सेकंड मैच में मिली थी, फर्स्ट मैच में विकेटलेस, लास्ट मैच में विकेटलेस।
मयंक अगर तीनों मैचेस में देखो कुछ खास नहीं किया, पिछले मैच में इनको एक विकेट मिला था। यश दयाल तीनों मैचेस में 3 विकेट से, हर मैच में एक एक विकेट है। और वैश्यक की बात करें, इनको एज इम्पैक्ट प्लेयर लाया था पिछले मैच में, 4 ओवर में 23 रन दिए थे सिर्फ, एक विकेट निकाला था। मिडिल ओवर्स में बॉलिंग अच्छी करी थी, सेम स्टेट से बिलोंग करते कर्नाटका से, तो उनको पता है कैसी बॉलिंग की जाती बेंगलुरु में, उस तरीके से बॉलिंग भी करी और अच्छी बॉलिंग करी, एक विकेट निकाल लिया था। ठीक है, तो हाँ बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, टीम स्ट्रगल कर रही है, तो डेफिनेटली आपको चेंजेस देखने को मिलने चाहिए इस मैच में। अभी कितने चेंजेस होंगे और कौन से चेंजेस होंगे वो तो अभी टॉस के टाइम पे ही पता चलेगा। ठीक है, और किसी के देखना चाहते हो, जैसे महिपाल उमरर एक मैच खेल चुके, करण शर्मा एक मैच खेल चुके हैं, और किसी के स्टैट्स देखना चाहते हो, रिसेंट फॉर्म देखना चाहते हो, यू कैन गो थ्रू, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। ओके, जैसे कि मैंने बोला कौन खेल सकता है उनके स्टैट्स देख लेते, तो विल जैक्स देख लो, बहुत तगड़े फॉर्म से बंदा आ रहा है, सेंचुरी मार के आ रहा है, ठीक है, अपने सेकंड लास्ट मैच में। लॉकी फर्ग्यूसन के अच्छे स्टैट्स है, 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 4 विकेट, और रिस टॉपली कुछ खास स्टैट्स नहीं है बट फॉर्म अच्छा है, तो नोट करके चलना। ठीक है, और पिछले सीजन के स्टैट्स भी देखना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो ये 12 प्लेयर्स रहे थे लखनऊ सुपर जायंट्स के पिछले मैच में। ठीक है, और चेंजेस की बात करें तो हो सकता है एक दो चेंजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। राहुल एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेले थे पिछले मैच में, कैप्टनसी निकलस पुरन ने करी थी, 1 डाउन क्विंटन डिकॉक, फिर मार्कस टोनिस, 2 डाउन निकलस पुरन, आयुष बदोनी, कुणाल पांडे, इस तरीके से इनके टॉप 7 बैटर्स है। बॉलिंग में रवि बिश्नोई, नवीन उलग, मोहसिन खान, मयंक यादव जो जबरदस्त बॉलिंग रही थी पिछले मैच में, एंड देन मणिमहरन सिद्धार्थ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पीक रहेंगे, बिकॉज यू नो राइट, राइट हैंड एंड बैटर्स भरे पड़े हुए हैं इस टीम में, आरसीबी की टीम में, और आरसीबी के बैटर्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के सामने स्ट्रगल करते हैं। हमने हरप्रीत ब्रार का देखा था, ठीक है, बहुत बढ़िया उन्होंने बॉलिंग करी थी। इस मैच में मणिमहरन सिद्धार्थ और कुणाल पांडे ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, स्पेशली मैक्सवेल के सामने, नोट करके चलिएगा। ठीक है, चेंजेस में देखो कोई उस वैसे लग नहीं रहा है कि यहाँ से कोई ऐसा चेंज मुझे दिखेगा, कोई आउट ऑफ बॉक्स मिल जाए तो लेट्स सी, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, दीपक उठाकर नोट करना, ये आपको एज ए इंपैक्ट प्लेयर खेलते हुए दिख सकते हैं। देखते कि हुआ क्या है तीनों मैचेस, 2 मैचेस में, तो एक मैच इन्होंने जीता, एक मैच ये लोग हारे हैं। पहले मैच में राहुल ने 58 बनाए थे, सेकंड मैच में 15 बनाए थे। क्विंटन डिकॉक ने पहले मैच में कुछ खास नहीं किया था बट सेकंड मैच में 54 की बढ़िया पारी खेली थी, पहले मैच में अगर देखोगे तो वैसा कुछ खास देखने को मिला नहीं था। बाडिकल पहले मैच में 0, सेकंड मैच में 9 रन, निकोलस पुरन पहले मैच में 64 नॉट आउट, सेकंड मैच में 42 रन, मार्कस टोनिस ने दोनों मैचेस में कुछ खास नहीं किया, बॉलिंग भी नहीं करी, बदोनी भी अब तक तो कुछ खास नहीं कर पाए, दीपक हुडा ने पहला मैच खेला था 26 बनाए थे। ठीक है, कुणाल पांडे की बात करें, पहले मैच में 3 रन नॉट आउट, 4 ओवर में 19 रन, पिछले मैच 43 के जबरदस्त पारी हमारे लिए गेम चेंजर रहे थे। ठीक है, और बॉलिंग में विकेट्स नहीं थी बट रन अच्छे बनाए थे। बिश्नोई 2 मैच, पहले मैच में 1 विकेट, सेकंड मैच में विकेट लेस, नवीन उलग 2 मैच में 2 विकेट्स, मोहसिन खान 2 मैच में 3 विकेट, पिछले मैच बॉलिंग अच्छी करी थी, मयंक यादव क्या बॉलिंग करी भाई, 150 के स्पीड से, 155 के स्पीड से बॉलिंग बंदा कर रहा था, 3 विकेट निकाले थे इन्होंने, पूरा मैच चेंज किया था, वन साइडेड मैच को जिता दिया था अपने टीम को। ठीक है, मणिमहरन सिद्धार्थ पावर प्ले में 2 ओवर डाले थे, 2 ओवर में 21 रन दिए थे बट अच्छे लगे थे। ठीक है, अच्छे लगे थे, तो इस मैच में भी कर सकते हैं फैप और विराट के सामने। और रही बात यश ठाकुर की, तो इनको 3 ओवर में 43 पड़े थे पहले मैच में, सेकंड मैच में इनको ड्रॉप कर दिया गया था, तो ये कुछ चेंजेस हमें देखने, ये कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस अब तक देखने को मिला लखनऊ की ओर से। तो थोड़ी सी बैटिंग में एक दो प्लेयर्स ने अच्छा किया, जैसे राहुल ने अच्छा किया था पहले मैच में, फिर डिकॉक ने अच्छा किया, फिर दोनों मैचेस में निकोलस पुरन ने अच्छा किया है। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में ऐसा कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा नहीं है बट अब तक इन्होंने 1 मैच जीता, 1 मैच ये लोग हारे हैं। ठीक है, ये नोट करके चलना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अगर आप देखोगे कि किस प्लेयर को पिक कर सकते हो, तो ऑब्वियसली राहुल, डिकॉक, ठीक है, ये 2, निकोलस पुरन 3, ठीक है, बैटिंग में 3 मस्ट पिक है। बॉलिंग में अगर देखोगे तो बिश्नोई, ठीक है, और द वे मयंक यादव बैटेड, आप मयंक यादव को बॉले बोल्ड मयंक यादव को भी कंसिडर कर सकते हो, उनके पास पेस है तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट फिर से डाल सकते हैं। ओके, दोस्तों बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो किसी को अगर पिछले कुछ मैचेस के स्टैट देखने हैं, रिसेंट फॉर्म देखना है, यू कैन गो थ्रू, ठीक है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, पिछले सीजन के स्टैट्स देख सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो बात कर लेते हैं अभी हम लोग प्लेयर मैचअप्स की। ठीक है, तो फोकस करना यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर मैचअप्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो प्लेयर मैचअप्स में अगर देखोगे, केएल राहुल, मैक्सवेल इनको 2 बार आउट कर चुके 27 बॉल में,
फर्ग्यूसन इनको 7 बॉल में 1 बार आउट कर चुके हैं। सिराज के सामने 1 ही बार आउट हुए बट बहुत रन बनाए, ठीक है। क्विंटन डिकॉक मैक्सवेल इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, सिराज इनको 2 बार आउट कर चुके हैं 29 बॉल में 41 रन देके। जोसेफ ने इनको 1 बार आउट किया है, यश दयाल ने भी 1 बार आउट किया 2 बॉल में, ठीक है। देवदत्त पाटीकल फर्ग्यूसन इनको 2 बार आउट कर चुके हैं 14 बॉल में, यश दयाल ने 2 बॉल डाली है, दोनों बॉल में आउट किया हुआ है देवदत्त पाटीकल को। पिछले दोनों मैचेस में पाटीकल लिप्टम पेसर के सामने आउट हुए हैं, याद रखिएगा। सिराज 1 बार आउट कर चुके हैं, ठीक है। निकोलस पुरन जोसेफ ने इनको 2 बार आउट किया 29 बॉल में, सिराज को 1 बार आउट कर चुके हैं, लॉकी फर्ग्यूसन भी 1 बार आउट कर चुके हैं। वही बात करें मार्कस स्टोइनिस की तो इनको कैमरन ग्रीन अब तक 1 बार आउट कर चुके हैं, ठीक है। बढ़ते आगे दोस्तों बात करते हैं अब हम लोग बैंगलोर के बैटर्स की, तो फैब डुप्लेसिस, ठीक है। नवीन उरक इनको 3 बार आउट कर चुके हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा 26 बॉल में। कुणाल पांडे के सामने 1 बार आउट हुए 54 बॉल में, 67 रन बनाए, ठीक है। मोहसिन खान इनको 1 बार आउट कर चुके हैं 1 ही बॉल में, ठीक है। और बिश्नोई के सामने अच्छे स्टार्ट है, 63 बॉल में 98 रन से। विराट कोहली, नवीन उरक 1 बार आउट कर चुके हैं, कुणाल पांडे ने 1 बार आउट किया 103 बॉल में 109 ही रन बनाए हैं, बिश्नोई ने 1 बार आउट किया 41 बॉल में 36 रन बना के, ठीक है। ग्लेन मैक्सवेल, कुणाल पांडे इनको टोटल 5 बार आउट कर चुके हैं, टोटल 5 बार, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा फिर से ये। बिश्नोई 1 बार आउट कर चुके हैं, ठीक है। और रजत पाटीदार की बात करें तो कुणाल पांडे ने कभी आउट नहीं किया, बिश्नोई ने कभी आउट नहीं किया, मोहसिन ने भी कभी आउट नहीं किया। कैमरन ग्रीन और नवीन उरक इनको 1 बार अब तक आउट कर चुके हैं, और किसी ने आउट नहीं किया है। दिनेश कार्तिक को कुणाल पांडे 2 बार आउट कर चुके हैं, स्टोइनिस ने भी 1 बार आउट किया हुआ है। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग मुझे लगता है ये बैटल रहेगा जहाँ पे मैक्सवेल को कुणाल पांडे ने परेशान किया हुआ है, और वैसे भी लेफ्टम ऑर्थोडॉक्स के सामने मैक्सवेल परेशान होते हैं। विराट कोहली का भी स्ट्राइक रेट नीचे जाता है, और फैब वैसे अच्छा करते खेलते लेफ्टम ऑर्थोडॉक्स को, बट मैक्सवेल और विराट कोहली आउट नहीं होते, संभाल लेते, बट मैक्सवेल विकेट फेंक देते बिकॉज एग्रेसिव खेलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, 8 प्लेयर्स अपने स्मॉल लीग टीम में मैं पिक कर चुका हूँ, हमें लेने हैं और 3 प्लेयर्स, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि मैंने मेनली बैटर्स पे फोकस किया है, बैटर्स को मैंने मैक्सिमम पिक कर लिया है। तो ये हो गए टॉप 4 बैटर्स फ्रॉम लखनऊ सुपर जायंट्स, और ये हो गए टॉप 4 बैटर्स फ्रॉम RCB, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कवर कर लिए है। अभी तक कोई बॉलर मैंने पिक नहीं किया है, डेफिनेटली 2 ऑलराउंडर्स है बट पार्ट टाइमर्स है, रेगुलर अपनी बॉलिंग नहीं करते, कोई भी बॉलर लिया नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कौन से बॉलर्स को हम लोग पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। पहले तो 3 हम लोग विकेट कीपर्स ले चुके हैं, उसके अलावा दिनेश कार्तिक, अनुज रावत है, ज्यादा रिकमेंड हम लोग करेंगे नहीं। बैटिंग में विराट, फैफ को ऑब्वियसली लेना था, बट देवदत्त पाटीकल सिर्फ 22% सिलेक्शन है, बट मैं थोड़ा सा रिस्क उनके ऊपर ले रहा हूँ इस मैच में, ठीक है। पहले खेल चुके हैं RCB के लिए। और रही बात थोड़ा सा लेफ्ट आर्म पेसर के सामने फंस सकते हैं वैश्यक के सामने, बट ये जानते हैं, ये कर्नाटक से ही बिलोंग करते हैं, तो उनको पता है किस तरीके से खेला जाएगा यहाँ पे। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विद पाटीकल। पाटीदार भी इस मैच के लिए एक सॉलिड डिफरेंशियल पिक है, ठीक है, नोट करके चलना। अगर वन डाउन आते हैं तो बहुत अच्छे पिक मेरे हिसाब से रहेंगे। ऑर्डर सेक्शन में मैंने मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन को पिक कर लिया है। इसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शन है, मार्कस स्टोइनिस और कुणाल पांड्या। स्टोइनिस हिट और मिस काइंड ऑफ प्लेयर है, बॉलिंग शायद से नहीं करेंगे, पहले में 2 मैचेस पे तो नहीं करिए। कुणाल पांड्या एक अच्छे पिक रहेंगे बिकॉज एक तो सामने बहुत सारे राइट हैंड बैटर्स है, प्लस जिस तरीके से पिछले मैच में बैटिंग करी थी बहुत अच्छे लगे थे, बहुत सॉलिड लगे थे, तो इस मैच में भी कर सकते हो, तो आप कुणाल पांड्या को स्ट्रेट फॉरवर्ड ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा विलजैक्स खेलते हैं तो लेट्स सी, बट अभी तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में भी बहुत सारे बॉलर्स है, सिराज है, बिश्नोई है, मयंक यादव द वेरी बोल्ड लास्ट मैच, देन नवीन उलक है, मोहसिन खान है, यश दयाल है, अलजारी जोसेफ है, अलजारी की जगह पे लॉकी फर्ग्यूसन के खेलने के हाई चांसेस है, ठीक है। और इस टॉप लिया तो बहुत सारे आपको बॉलर्स एक्चुअली में मिल जाएंगे, किसी को भी ले सकते हो। एक तो सबसे पहले मैं नवीन उलक को ले रहा हूँ बिकॉज ही समवन जो विकेट्स निकालता है, डेथ में बॉलिंग करता है, तो मैंने उनको ले लिया, ठीक है। इसके अलावा मयंक को पब्लिक लाएगी तो आप ले सकते हो मयंक को, सिराज को पब्लिक ला सकती है, ले सकते हो सिराज को, मैं बिश्नोई को ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 प्लेस मैंने पिक कर लिए। इफ यू वांट यू कैन पिक बिश्नोई के ऊपर कुणाल पांडे एज वेल, ठीक है, याद रखना। सिराज आपके पास है, यू कैन पिक सिराज एज वेल, ठीक है। मयंक यादव मिडल ओवर्स में बॉलिंग करेंगे, बाउंसर्स डालेंगे, टारगेट करेंगे, पेस के साथ डालेंगे, 155 डाल लेते हैं, तो उनका थोड़ा नोट करना, थोड़े से सॉलिड गेम चेंजर है। मोहसिन खान अच्छी बॉलिंग करी थी पिछले मैच में, अलजारी वगैरह, लॉकी वगैरह जो भी खेलेगा इनको आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैं फाइनल प्लेयर अगर देखोगे तो मैं कुणाल पांडे को ले रहा हूँ, ठीक है, और अपनी कुछ इस तरीके से मैं टीम बना रहा हूँ। 7 लखनऊ के प्लेयर्स मैंने पिक कर लिए यहाँ पे, और 4 प्लेयर्स मैंने पिक है, सिर्फ 4 प्लेयर्स मैंने लिए हैं RCB की ओर से, बट जो बाकी 3 प्लेयर्स लिए हम लोगों ने, 1, 2 और 3,
यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं। हम देखेंगे कि आरसीबी की टीम में क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे लॉकी फर्ग्यूसन अगर खेलते हैं तो एक अच्छे पिक रहेंगे, तो फिर मैं उनको पिक कर सकता हूँ ओवर नवीन उलक और कुणाल पांड्या। हम ये कर सकते हैं, तो बहुत मैटर करेगा कि आरसीबी की प्लेइंग 11 क्या अनाउंस हो रही, उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम में चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी की। तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए ऑप्शन में आपके पास है विराट कोहली, आपके पास है केएल राहुल, ठीक है, आपके पास है मेरे हिसाब से फैफ, ठीक है, और ग्लेन मैक्सवेल एंड कैमरून गिल। ठीक है, ये पिक्स कुछ है जिनको एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग के लिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आई विल गो विथ विराट एज माई कैप्टन। ठीक है, विराट कोहली को मैं कैप्टनसी दे रहा हूँ। वाइस कैप्टनसी मैं सोच रहा था केएल राहुल और कैमरन ग्रीन, बट कैमरन ग्रीन ने सिर्फ एक ओवर डाला था पिछले मैच में, तो पता नहीं कितनी ओवर बॉलिंग करेंगे वो पता नहीं, और वन डाउन आएंगे डेफिनेटली, बट कितना बॉलिंग करेंगे पता नहीं। सो आई एम गोइंग विद लोकेश राहुल। ठीक है, अब पता नहीं लोकेश राहुल फुल टाइम खेलेंगे या सिर्फ एज अ इम्पैक्ट प्लेयर खेलेंगे वो अलग बात है, बट आई एम स्टिल गोइंग विथ हिम बिकॉज ये बहुत अच्छा खेलते हैं ऐसे वेन्यूज पे, बैटिंग वेन्यूज है, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन। बाकी तो फिर उनके अलावा आपके पास क्विंटन डिकॉक, पूरन, फैफ, मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन जैसे ऑप्शन है, आप उनके साथ भी जा सकते हो। फिर ये आपके सीधे सीधे ग्रैंड लीग के ऑप्शंस बन जाते हैं जिनको आप लोग ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। दोस्तों अब तक आईपीएल बहुत अच्छा जा रहा है, मिलियन सब्सक्राइबर जिनके ना उनका आईपीएल बहुत खराब जा रहा है, बहुत ज्यादा खराब जा रहा है। हमारा आईपीएल बहुत अच्छा जा रहा है, सिंपल रहने की कोशिश कर रहे हैं। आई नो उतना शायद सपोर्ट सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना मिलियन सब्सक्राइबर्स वालों को मिल रहा है, बट स्टिल सिंपल रहने की कोशिश चल रही है और अच्छा करने की कोशिश चल रही है। इसी वजह से हमारे मैचेस अच्छे जा रहे हैं, यही हम लोग आगे भी करेंगे। सपोर्ट चाहिए आपका तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ो सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये फाइनल टीम नहीं है, ये एक प्रीव्यू है। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी टॉस के बाद, तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, कमेंट सेक्शन के फर्स्ट कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन हो जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब बनता है, जल्दी से कर दो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।